أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضي العطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل معونع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم مختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس والطهر هراهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد زحمت تو ہوگی ذرا سا آپ اور ممبر سے قریب ہو جائیں احباب کو تکلیف ہو رہی ہے میں ان تمام احباب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ان مجلسوں کو سننے کی زحمت گوارا کی اور ان تقریروں کو دلچسپی سے محفوظ کیا. یہ اس سلسلے کی ہماری آخری تقریر ہے. میں
बानिया मजलिस का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपने खुलूस से एक ऐसा मौका बहम पहुंचाया कि जहां आप हम सब जमा होकर एक इल्मी मसाले पर गौर व फिक्र कर सकें। उसवे रसूल और कुरान के उन्वान पर इख्तितामी तकरीर आप समाअत फरमा रहे हैं और जाहिर है कि जो कुछ भी इन तकरीरों में कहा गया है या इस सिलसिले फिक्र में जो कुछ आप सुन चुके हैं उसमें हमने अपनी तरफ से यही कोशिश की कि कोई मसला ऐसा न हो जिसमें किसी के लिए दिल शिकनी या दिल आजारी का बाइस हो। इख्तलाफ नजर तो हर वक्त है, इख्तलाफ फिक्र तो हर वक्त है, लेकिन इख्तलाफ नजर से इम्कान इस बात का और ज्यादा रोशन हो जाता है कि इंसान मुख्तलिफ जाविया नजर से गौर व फिक्र करके अपने इल्म को और वसी करे। इसलिए इख्तलाफ नजर से बचने का या इख्तलाफ फिक्र से बचने का इम्कान नहीं है। अलबत्ता इस उम्र की जरूर कोशिश होती है कि कोई बात किसी वक्त भी इस तरह से न कही जाए कि इत्तेहाद मिल्लत को नुकसान पहुंचे। हमने इन मजलिसों में और तकरीबन हमारी हर मजलिस में हमने इस बात का ख्याल रखा है कि एक बेहतर तरीके पर सोचने वाले के लिए इस बात की गुंजाइश निकल आए कि वो आसानी के साथ इस बात की तमीज कर ले कि जो कुछ कहा जा रहा है वो दुरुस्त है या ना दुरुस्त है। उसवाए रसूल और कुरान के उन्वान पर गुफ्तगु थी और कल की तकरीर के आखिरी अज्जा ये थे कि कायनात में तौहीद इलाही को एक ही चीज समझा सकती है और वो कायनात का निजाम आदल है। वहदत इलाही को समझाने वाली एक ही चीज है और वो ये कि तनासुब अशिया, मौजूनियत अशिया, हम आहंगी अशिया, कायनात का बाहमी इर्तबा, हर एक का एक वजन पर होना, हर एक का एक निस्बत से कायम होना, हर एक का एक कानून से आगे बढ़ना, ये हम आहंगी, ये आपस का राबिता, ये वहदत कसरत में इस बात की शाहिद है कि निजाम कुल में अदल ही अदल है और जहूर तौहीद है अदल से। तो
वो जो सिर्फ तौहीद पे रुकते हैं और अदल पे गुफ्तगू नहीं करते, उसके माना ये नहीं है कि वो अदल को नहीं मानते, बल्कि उनका कहना यह है कि जब तौहीद पे गुफ्तगू हो चुकी तो फिर अदल की तफसील की क्या जरूरत है, अदल खुद तौहीद में पिन्हा है। इसलिए असल इस्लाम पर गुफ्तगू करते हुए जब पहली असल पर गुफ्तगू करते हैं तो कहते हैं खुदा एक है, उसके माना ही वो ये समझते हैं कि निजाम कुल में अदल ही अदल है। आपने अगर तौहीद के बाद अदल को जाहिर किया तो इसलिए जाहिर किया ताकि तौहीद का हर पहलू ज्यादा वाज़े होकर सामने आए। तो तौहीद का ज़हूर अदल से है, आपने अदल पर गुफ्तगू की। रिसालत का ज़हूर इमामत से है, इमामत से है। ये और बात है कि इमामत पर कोई गुफ्तगू न करे और उसको असल दीन न जाने, मगर ये कि इब्राहिम के लिए इरशाद हुआ इन्नी जाएलुका लिन्नास इमामा, मैं तुझको इंसानियत के लिए इमाम बना रहा हूं। तो जहां तक खबर रसानी है रिसालत है, और जहां से अमल करवाना है इमामत है। قيادت نعره هادي نعره هادي यहां से अमल करवाना है, एग्जीक्यूट करना है, अहकाम को लेकर आगे बढ़ना है, वहां से इमामत है। इस तरह आपके उसूल तफसील में जब आए तो ज़हूर तौहीद को अदल में देखा, ज़हूर रिसालत को इमामत में देखा। इमामत की इस्तेलाह कोई हमारी खुद साख्ता इस्तेलाह नहीं है, यह कुरान मजीद की इस्तेलाह है। वो जालनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, हमने उनको इमाम बनाया है ताकि हमारे अम्र की तरफ हिदायत करते रहे। वनुरीदु अन्नमुन अलल्लज़ीना इस्तुज़िफू फिल अर्ज़ वनजअलहुम अइम्मतन वनजअलहुम अलवारिसीन, और हमने ये इरादा कर लिया है कि जिनको दुनिया जमीन में कमजोर समझे उनको हम इमाम बनाए और वारिस बनाए। وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, उनको जमीन में तमकीन अता करें। وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ, और फिरौन और हामान उन दोनों के लश्कर वालों को बतलाएं कि जिनसे तुम डर रहे थे आखिर वही हुआ ना। क्या कहना बात। तो इमामत की इस्तेलाह किसी फिरके की खुद साख्ता इस्तेलाह नहीं, और जैसा कि इन्हीं तकरीरों में अर्ज किया, अल इमामतु व सियासा इस्लाम की मशहूर किताब है, इब्ने कुतैबा दैनूरी की किताब है, इसका सन वफात 267 हिजरी है, और ये इमाम हसन अस्करी का हम असर है। तो आपने देखा कि इस दौर में यह किताब लिखी गई और इस दौर में दूसरे ही सफ़े पे यह हदीस मौजूद है, मम माता व लम यारिफ इमाम जमाने ही माता मीतुल जाहिलिया, जो मर जाए और जमाने के इमाम को न जाने वो जाहिलियत की मौत मरता है। कल हम जाहिलियत पे गुफ्तगू कर रहे थे। यज़ुन्नूना बिल्लाहि ज़न्नल जाहिलिया यक़ुलून हल लना मिनल अम्र मिन शै कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, अल्लाह से बदगुमानी करते हैं और बार बार कहते हैं कि क्या उसके अम्र में हमारा दखल नहीं है, क्या आपके अहकाम के पहुंचाने में आप हमसे मशवरा नहीं करेंगे। यह जाहिलियत का गुमान है, यह जाहिलियत का गुमान है। इस बदगुमानी को जाहिलियत कहते हैं। तो जाहिलियत वहां है जहां कोई अम्र में शिरकत चाहे, जहां कोई अम्र में शिरकत चाहे। इमामत उलुल अम्र के लिए है,
इस वास्ते अगर कोई अम्र में शिरकत चाहे तो उसके माना ये कि वह इमाम से गाफिल है, इमाम को नहीं जानता है। तो रिसालत को समझने के लिए ये लाजिम है कि रिसालत के उस तजल्ली गाह को समझें, रिसालत के उस आईने को समझें, रिसालत के उस जलवागाह को समझें, रिसालत के उस अक्स देने वाले जौहर को समझें, रिसालत के उस मुनअकिस करने वाले नूर को समझें, जहां जाके रिसालत का आफताब और तरक्षा हो। तो ये बातें याद रखने के काबिल हैं, इसमें किसी किस्म की कोई इब्तदाई फिक्र में या मजहबी फिक्र में गलती का इम्कान नहीं है। इख्तिलाफ नजर है, इख्तिलाफ नजर है। पूछा और अहादीस सही में आया अलाइम्मतो मिन कुरैश, अइम्मा सब कुरैश से होंगे, वलाइम्मतो बादी इसना अशर, मेरे बाद इमाम बारह होंगे। बहरहाल अब गिनती भी मालूम हो गई, कबीला भी मालूम हो गया। मेंबर पे जाके अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया अलाइम्मतु मिन कुरैश कद गुरसू फी हाज़ल बत्न मिन हाशिम, अपनी तरफ इशारा करके कहा कि अइम्मा तो कुरैश से होंगे मगर इस बत्न से होंगे। गुरसूफी हाज़ल बत्न मिन हाशिम, इस बत्न हाशिम से। तो ऐसी सूरत में ये एक मसला हमेशा याद रहे कि तौहीद अगर इतलाक पाए तो अदल जलवागर हो, रिसालत अगर इतलाक पाए तो इमामत जलवागर हो, और इस तरह से ये इमामत साथ साथ जाए। रिसालत खत्म हो चुकी, नबुव्वत खत्म हो चुकी, खबर रसानी खत्म हो चुकी, अब जंबे इमामत बाकी है, अब रसूल का जंबे इमामत बाकी है। और फिर वह यौम नदउ कुल्ला उनासिन में इमामहिम, उस दिन तक जाना है कि कयामत में हम हर एक को बुलाएंगे उसके अपने इमाम के साथ, सबको आवाज देंगे उसके अपने इमाम के साथ। तो वहां तक इमामत जाएगी, ऐसी मंजिल पर ऐसे मौके पर एक बात जो हमेशा वाज़ह होनी चाहिए, जिस पर जगह जगह रोशनी डालने की मैंने कोशिश की है, वो ये कि अगर हम सही माना में तस्लीम की तारीख लिखते, इस्लाम की तारीख लिखते और उसकी वजाहत करते तो वो वजाहत इसी तरह से होती कि रिसालत मुसलसल है, उसकी हर शक्ल में वो कायम है, आगाज से लेके अंजाम तक उसके मुख्तलिफ गोशे हैं, कभी शक्ल आदम में है, कभी शक्ल इब्राहिम में है, कभी शक्ल मूसा में है, कभी शक्ल ईसा में है, कभी खत्म मुरसलीन की सूरत में है, कभी आइम्मा की हालत में है, मगर ये रसूल नहीं है, मगर शक्ल बदल जाती है हिदायत की, हिदायत का सिलसिला आगे बढ़ जाता है, रिसालत खत्म हो जाती है, इमामत आगे बढ़ जाती है। इस एतबार से मुफक्किरीन को फिक्र ये थी कि अगर मिल्लत में इमाम कोई हो जाता तो आज मिल्लत का ये आलम न होता, मिल्लत में अगर इमाम कोई होता तो ये आलम न होता। तो ये वो सोच रहे थे कि जिनके का तसव्वुर ये था कि इमाम नहीं है, इमाम नहीं है, और इसलिए कहते थे कि तुमी नानी के मिल्लत बे इमामस्त, तुझको मालूम है कि मिल्लत में इमाम नहीं है। बहरहाल इन मसाइल पर कभी कभी तन्हाई में आप जरूर सोचें, इख्तितामी मजलिस है कि क्या निजाम कायनात
इसी तरह से उसको अधूरा छोड़ दिया गया? क्या इसी तरह से बाद रिसालत इस सिलसिले को उम्मत के हाथ में दे दिया गया? क्या ये हक है कि आज हम जो हैरानों परेशान हैं वो ये कि न एक तरफ हम अपने आप को आज किसी मंजिल पर खलीफतुर रसूल कह सकते हैं, न किसी मकाम पे अमीरुल मोमिनीन कह सकते हैं, न किसी मकाम पर खलीफतुल मुस्लिमीन कह सकते हैं, न किसी मकाम पर किसी बादशाह को उलुल अम्र कह सकते हैं? अगर है किस हालत में मिल्लत मुस्लिमा, कभी इस अमर पे गौर किया आपने कि आपका किस मिल्लत मुस्लिमा का हाल क्या है, क्या होगा, क्या गुजरेगी इस मिल्लत पर? बहर सूरत ये तन्हाई में सोचने की बातें हैं। अगर यह निजाम इलाही है, अगर यह निजाम माबूद की तरफ से अता किया हुआ है, तो यकीनन इस निजाम को मुसलसल होना चाहिए, इस निजाम को मरबूत होना चाहिए, इस निजाम को हम आहंग होना चाहिए। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि निजाम में हम आहंगी तो है, लेकिन हमारी फिक्र उस हम आहंगी को पा न सकी, उस फिक्र ने हम आहंगी को पाया नहीं है। तो एक बात याद रखिए जो बड़ी अहम बात है आज की तकरीर में, कायनात में हर शय का एक मरकज है, कायनात में हर शय का एक मरकज है, कशिश सकल का मरकज है, दायरे में एक मरकज है, हर शय का एक मरकज है। छोटे से छोटा अगर पौधा है तो उसका एक मरकजी खलिया कहीं है, समर है तो उसका एक मरकज है। ये साइंस से साबित है, तबीयात से साबित है, इल्म शरीह से साबित है, अकल से साबित है कि बगैर मरकज के कोई चीज नहीं है, दायरे में एक मरकज है। तो अगर कोई अपने मरकज को न जाने तो उसके माने ये नहीं है कि मरकज नहीं है। अगर कोई अपने मरकज को न जाने तो उसके माने ये नहीं है कि मरकज है ही नहीं। नहीं, मरकज को न जाने तो जाहिलियत है, मरकज है, मरकज अपनी जगह पर है, वो जाहिलियत है कि नहीं जान रहा है, मरकज तो अपनी जगह पर है। तो ऐसी सूरत में मरकज गुरेजी अपना नुकसान है, मिल्लत का नुकसान नहीं है, खुदा का नुकसान नहीं है, जात वाजिब की करामत हो किबरियाई में जरा बराबर फर्क नहीं आएगा अगर सारी अक्सरियत उसके हुक्म के खिलाफ हो जाए, जरा बराबर फर्क नहीं आएगा। तो ऐसी सूरत में सबसे पहले हम जिस मरकज पे नजर डालते हैं अव्वलीन व आखरीन में, वो यकीनन आप सब के लिए काबिल कबूल है और उसी पर गुफ्तगू हो रही थी, वो मरकज़े ज़ाते पाके अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा। उस मरकज से तो दुनिया आगाह हो, उस मरकज को तो दुनिया पहचाने, कलमा पढ़ के न टाले, उस मरकज को तो दुनिया पहचाने कि आकर कलमा क्यों पढ़वा रहा है। कल यही गुफ्तगूती में मुसलसल हो गया, कुरान में किसी मकाम पर कलमा लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह किसी मकाम पर है, किसी और मकाम पे किसी सूरे में, सूरे फतह में मोहम्मदुन रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। ये दोनों को जो मिलाने का हुक्म दिया है कि इसको मिला के कलमा बना दो, तो ये पैगंबर ने हुक्म दिया, कोई वही तो समझ में नहीं आई। तो जिसको ये इख्तियार है कि अल्लाह के नाम के बाद अपना नाम ले, कल यही गुफ्तगू, जिसको ये इख्तियार है कि अल्लाह के नाम के बाद अपना नाम ले, उसको ये भी इख्तियार है कि अपने नाम के साथ मौलाइयत की शर्त को कायम करके दूसरे की मौलाइयत का ऐलान कर दे। ताकि यह सिलसिला आगे जाए,
उसके लिए अख्तियार है, उसको उसके अख्तियार में कोई दखल नहीं दे सकता। वो जिसको चाहे इज्न दे दे, जिसको चाहे इज्न दे दे, उसके इज्न पर हर्फ नहीं आ सकता। और फिर एक अजीब बात है, एक अजीब मंजिल है। आप अगर सफाई दिल के साथ, सफाई कल्ब के साथ इस बारगाह में आए, ताहिरीन की बारगाह में आए, तो आपको यहां वहदत फिक्र भी मिलेगी, वहदत अमल भी मिलेगी। यहां वहदत अफकार भी है, वहदत किरदार भी है। वो मुबाहले की मंजिल हो या आए कुर्बा की तफसीर हो, वो आए तथहीर की निशानदेही हो, या कोई और ऐसा आए वाकई हिदाया हो कि जिनका इशारा इस घराने की तरफ हो, वहां आपको एक वहदत फिक्र मिलेगी, उस वहदत फिक्र के साथ वहदत अमल मिलेगी। यानी ऐसा मालूम होगा कि सब के सब एक ही राह पर गामजन है, सब के सब एक ही राह पर चल रहे हैं। इसलिए बार बार ये कहा गया कि खत्मी मर्तबत को कोई तन्हा न जाने, और जिसने खत्मी मर्तबत को तन्हा रखने की फिक्र की, जिसने खत्मी मर्तबत को तन्हा रखने की फिक्र की, वो खत्मी मर्तबत की जात में अपने अकीदे के एतबार से मुतजल्जल हो गया। जिसने खत्मी मर्तबत को तन्हा रखने की फिक्र की, उसने खत्मी मर्तबत की जात में अपने अकीदे के लिहाज से अपने आप को मुतजल्जल पाया। इसलिए हमको खत्मी मर्तबत की तरफ से ये हुक्म मिला कि देखो मुझे तन्हा याद न करो, बल्कि मेरे गिर्द हिसारे कायम करते, हिसार पर हिसार कायम करो, मेरे गिर्द फसील कायम करो, कला बना दो, दीवार पर दीवार आए ताकि रास्त जद रिसालत पर न आए, रास्त जद रिसालत पर न आए, वरना जहां सिर्फ रसूल को माना वहां शकूक पैदा किया। कभी वही में शक हुआ, कभी वही की तफसील में शक हुआ, कभी इशारात को मुफस्सल करने में शक हुआ, कभी ये शक हुआ कि नहीं इसके माना ये नहीं थे, बाद में पैगंबर को बतलाया गया कि नहीं आपने गलती की थी, माना ये थे। ये शकूक उसी वक्त हुए जबकि तन्हा पैगंबर को छोड़ दिया गया। हमेशा आप भी देखेंगे, अगर आपकी जिंदगी भी तन्हा हो जाए, बिल्कुल तन्हा हो जाए, तो हर तरफ आप अपने गिर्द खौफ व खतर महसूस करेंगे। जाहिर है कि बेसहारा हैं, जाहिर है कि बेसहारा हैं, जहां सहारा नहीं वहां खतर भी है, खौफ भी है। तो आप अपने लिए तो ये चाहते हैं कि आपका माहौल बंधा हुआ रहे, आप जकड़े हुए रहें, कले की तरह से महफूज कर दिए जाएं। तो आप ये भी यकीन कर लें कि आपका अकीदा रिसालत भी महफूज हो, मसऊन हो, मामून हो, और इस कदर उसकी सियानत व हिफाजत की जाए कि जिस पर कभी शायबा तक ना आए, किसी शुबह का, किसी शक का। अगर अपने फिक्र से आप किसी चीज को नहीं समझ सकते, अगर अपने अंदाज में आप गौर नहीं कर सकते, तो किसी और के अंदाज फिक्र को लीजिए, किसी और की राह पर चलने की कोशिश कीजिए। फलसफी समझ में नहीं आता, शायर की राह पे चलिए। मजहबी इंसान समझ में नहीं आता, आप मुफक्किर से पूछिए। पहले यह तय कीजिए कि जिस जात रिसालत की हिफाजत आपके जिम्मे है, जिस जात रिसालत की हिफाजत आपके जिम्मे है, हिफाजत यानी कलेमे की हिफाजत, आप मुहाफिज हैं कलेमे के, तो जिस
की हिफाजत आपके जिम्मे है। उसके मुतालिक कल आपने गालिब के दो शेर सुने थे, आपको यकीनन याद होंगे। मैं वो दो शेर आज नहीं पढ़ूंगा, मैं दूसरे दो शेर पढ़ूंगा। गालिब ने कहा था कि खत्मी मतवत की शान ये है कि हक जलवागर ज़े तर्ज़े बयान मोहम्मद, हक जलवागर ज़े तर्ज़े बयान मोहम्मद आरे कलाम हक ब जबान मोहम्मद, कलाम उसका जबान इनकी। अब इसके बाद देखिए कोई बात नहीं, आरे हाँ हाँ कलाम हक ब जबान मोहम्मद, कलाम हक का है मोहम्मद की जबान। तो इस जबान से जो निकले, जो जिसके लिए निकले वो कलाम हक है। और उसके बाद गालिब ने यह कहा, दानी अगर बमानी लौलाक वारसी, दानी अगर बमानी लौलाक वारसी, अगर लौलाक के माने समझ में आए तो तुम ये इस नतीजे पे पहुंचोगे, खुद हर चेज हकस, खुद हर चेज हकस ये आने मोहम्मद, जो कुछ हक की तरफ से है वो मोहम्मद की तरफ से। दानी अगर बेमानी लौलाक वारसी, खुद अज खुद हर चेज हकस ज़े आने मोहम्मद, वो मोहम्मद ही की तरफ से है जो हक की तरफ से है। तो आपने देखा कि यही वो मंजिल है जहां कतनी मर्तबत को यह हक हो जाता है कहने का, मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझको देखा उसने हक को देखा। तो मैंने यह अर्ज किया इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में कि अगर मैं समझा नहीं सकता तो गालिब को समझने की कोशिश करें, मुमकिन है गालिब समझ में आ जाए, और अगर गालिब समझ में नहीं आता है तो हकीम सेनाई को समझने की कोशिश कीजिए। हकीम सेनाई इनका सने वफात 525 हिजरी है, मशहूर सूफिया से हैं, मशहूर सूफिया इस्लाम से हैं। इन्हें इनका न फिरका मोतजिला से ताल्लुक है, न फिरका शीरी से ताल्लुक है, उलमा इस्लाम से हैं। हकीम सेनाई मशहूर सूफिया से हैं, 525 हिजरी सने वफात है। खत्मी मर्तबत की बारगाह में नज्म पेश कर रहे हैं और पहले तारीफ कर रहे हैं अल्लाह की तौहीद के बाद पैगंबर की, और पैगंबर के बाद खुलफाए राशिदीन की, और जब खुलफाए राशिदीन की तारीफ खत्म कर चुके तो उसके बाद आखिर में कहा, ऐ सनाई ज़कुवते ईमा मध हैदर बेगू पसद उस्मान, यानी आए सिनाई अब ईमान की कुव्वत चाहिए, अब ईमान की कुव्वत चाहिए, अब तारीफ हजरत उस्मान की हो चुकी, अब हजरत अली की तारीफ करो। आए सिनाई ज़कुवते ईमा मध हैदर बेगू पसद उस्मा, और पहला शेर कहा, अज मदी हश मदाय है मुतलक जहाकल बातिल सुजाल, अज मदी हश मदाय है मुतलक, इतलाक आता है मधा का यहां, और तारीफ यह है कि बातिल गया हक। किताब बाजार में मौजूद है, सनाई की मसनवी मौजूद है, सनाई की नज्म मौजूद है, ऐ सनाई जो कुब्बत इमाओ मद हैदर बगू पसद उस्माओ, अजमती हश मदा है मुतलक जहकल बातिलस्तो जाल। अब उसके बाद अपनी मर्तबत के ताल्लुक को बतला रहे हैं हकीम सनाई, और उसी तरफ मैं मुतवज्जे करना चाहता था।
مرتضائی کے کرد یزدانش وہ مرتضا کہ جس کے خدا نے یہ کیا یزدانش مرتضائی کہ کرد یزدانش ہم رہے جان مصطفیٰ جانش مصطفیٰ کی جان کو اس کی جان سے ملا دیا مرتضائی کہ کرد یزدانش ہم رہے جان مصطفیٰ جانش ظاہر ہے میں اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکتا دنیا سنائی کو تو سمجھے مرتضائی کے کرد یزدانش ہم رہے جان مصطفیٰ جانش ہر دو ایک مبدو خود شان دو ہر دو ایک روح قلب دے شان دو دونوں کا مبدا ایک ظاہر میں دو دونوں کی روح ایک جسم دو سنائی ہر دو ایک مبدا خود شان دو ہر دو ایک روح قلب دے شان دو روح ایک جسم دو دو روندہ چو اختر گردوں دو چلنے والے جیسے دو ستارے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں دو برادر چو موسی و ہارون دو روندہ چو اختر گردوں بچوں کو یاد دلائیے یہ حکیم سنائی کی باتیں ہیں آپ تو خیر بزرگ ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو یاد رکھنے کی مگر بچے تو یاد رکھیں دو روندہ اچو اختر گردوں دو برادر موسیو ہارون ہر دو ایک در زے ایک صدف بودن دونوں ایک ہی موتی ہیں صدف ایک ہے یہ آل ابراہیم سے ہیں یہ صلب عبد المطلب سے ہیں ہر دو ایک در ایک صدف بودن ہر دو پیراؤ یہ شرف بودن شرافت کمال دونوں میں موجود ہے ہر دو ایک در ایک صدف بودن ہر دو پیراؤ یہ شرف بودن یہ حکیم سنائی کا کمال ہے اور اس کو میں نے کبھی کسی موقع پر رضویہ کالونی کے امام باڑے میں پڑھنے کی کوشش کی تھی سمجھایا بھی ہے پھر سمجھا رہا ہوں آخری شعر کو سمجھانا پڑتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ لفظ حیدر میں آخر میں در ہے اور لفظ پیمبر میں آخر میں بر ہے بر کے معنی پھل کے ہیں در کے معنی دروازے کے ہیں پیمبر پہ یہ میم بے رے آخر میں بر ہے بر کے معنی پھل ہے در آخر میں در ہے در کے معنی دروازہ تو ایسی منزل پہ انہوں نے کہا تا نبکشات علم ہے در در جب تک علم حیدر دروازہ نہ کھولے اسوہ رسول تا نہ بکشات علم حیدر در نہ دہت سنت پیمبر بر بکشاؤ علم حیدر در ندہت سنت پیمبر در سنت پیمبر پھل نہ دے جب تک کہ علم حیدر دروازہ نہ کھولے تو اب آپ نے دیکھا اسوہ رسول ہمارا ایمان مگر بتائے کون اسوہ رسول قرآن میں موجود
मगर उस्वाए रसूल की हिफाजत कौन करे, उस्वाए रसूल की हिफाजत कौन करे। चाहते ये थे नबी कि उसी को लें जो एक सदफ से हो, उसी को लें जो एक दुर हो, उसी को लें जो एक जान हो। वो एक नहीं बल्कि सिलसिला कयामत तक आए। तो इसी तरह से आए अन अभी अन जद्दी, मेरे बाप ने कहा, मेरे दादा ने कहा, मेरे परदादा ने कहा, यानी वो सिलसिला एक ही घराने से आए ताकि उस्वाए रसूल महफूज रह जाए, उस्वाए रसूल महफूज रह जाए। उस्वाए रसूल को महफूज किया, महफूज किया और उस उस्वे को लाकर इतरत में महफूज किया। ये तो मालूम है, इतरत में महफूज किया। और इतरत के मुतालिक कहा कि देखो ये किताब के साथ है, ये किताब के साथ, और इस तरह से ये सिलसिला कयामत तक बाकी रहेगा, सिलसिला कयामत तक बाकी रहेगा। अजीजाने गरामी, कुरान मजीद ने जगह जगह पर हमारी रहबरी की है, जगह जगह पर हमको समझाने की कोशिश की है कि रिसालत माप के अहकाम को किस कदर पाबंदी से और किस कदर कुव्वत से और किस कदर गौर और फिक्र से समझने की कोशिश करनी चाहिए, बड़े जोरों के साथ, बड़ी कुव्वत के साथ कुरान ने वादे किया। एक मरतबा इरशाद हुआ सूरह आराफ में, मेरी रहमत तो सबके लिए है, रहमती वसीअत कुल्ला शय फसअक्तुबुहा, मगर वाजिब करता हूं उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए वाजिब करता हूं, अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर-रसूल अन-नबिय्यल उम्मी अल्लज़ी यजदूनहु मक्तूबन इन्दहुम फित-तौराति वल-इंजील यअमुरहुम बिल-मअरूफ यनहाहुम अनिल-मुनकर यहिल्लु लहुमुत तय्यबात वयुहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइथ वयदअ अन्हुम इस्रहुम वल-अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम वल-लज़ीना आमनू बिही वअज़रूहु वनसरूहु वत्तबअ अन-नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। पूरी आयत सूरह आराफ की, मेरी रहमत सबके लिए है मगर वाजिब करता हूं उनके लिए जो नबी की पैरवी करे, उम्मी की पैरवी करे। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल नबी अल उम्मी अल्लज़ी, रसूल की पैरवी करे, नबी की पैरवी करे, उम्मी की पैरवी करे। यानी एक मरतबा वजाहत हो चुकी है, अगर इर्तिका की मंजिल पर ये अल्फाज जा रहे हैं तो रसूल नबी उम्मी, यानी उम्मी को जाहिल करके आगे न बढ़िए, उम्मी को जाहिल करके आगे न बढ़िए, उम्मी कमाल है, शराफत है, अपनी मर्तबत है। कुरान में इस इफ्तिखार के साथ ये लफ्ज आया है कि रसूल की पैरवी कर रहे हैं, नबी की पैरवी कर रहे हैं, उम्मी की पैरवी कर रहे हैं। वो के जिसका जिक्र तौरात में है, वो जिसका जिक्र इंजील में, यजदूनहु मक्तूबन इन्दहुम फित-तौरात वल-इंजील यअमुरहुम बिल-मअरूफ। देखिए अख्तियारात नबी, देखिए यअमुरहुम बिल-मअरूफ, हुक्म देता है नेकी का, यनहाहुम अनिल मुनकर, रोकता है बुराई से, युहिल्लु लहुमुत तय्यबात, तय्यब चीजों को हलाल करता है, युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, खबीस चीजों को हराम करार देता है, यदौ अनहुम इसरहुम, उनके कांधों के बोझ को हटाता है, वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, जिन बेड़ियों में वो फंसे हुए हैं उनको काटता है। तो आपने देखा नबी के जिम्मे क्या क्या काम है, नेकियों का हुक्म दे, बुराई से रोके, तय्यब चीजों को हलाल करे, खबीस चीजों की हुरमत का हुक्म दे, इनके कानों से बोझ को हटाए, इनके पांव की बेड़ियों को काटे, इनको गुलामी से नजात दे, इनको आजादी की राह पर डाले। इरशाद हुआ कि वो लोग जो ऐसे नबी की पैरवी करें और ईमान लाएं उस पर, वल्लज़ीन आमनू बिही, वो अज़रूहु, और उसकी तअज़ीम करें। पहली मंजिल, तअज़ीम भी तो करो, खाली कलेमा नहीं, जब नाम आए तो सर झुक जाए। पहली मंजिल,
پہلی منزل ہے. والذین آمنوا بہی وعزروہ, تعظیم تو کرو, عظمت کا تو خیال کرو اس کی. یعنی قرآن جس کے لیے جھکا رہا ہے گردنوں کو ملت مسلمہ کی, کہ دیکھو یہ گردنیں جھکے, تعظیم کرو, ختمی مرتبت کی تعظیم کرو, نام آئے سر جھکے, سر جھکے. وَنَصَرُوهُ, اور جنہوں نے اس کی مدد کی, وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا. اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا. اولئک هم المفلحون, ہر دو ایک در ایک صدف بودن, ہر دو پیرا ہوئے شرف بودن, دونوں ایک در سے ہیں, ایک صدف سے ہیں, دونوں پیرا شرف ہیں. دروندہ چو اختر گردوں, دو برادر چموسیو ہارون, تا نبخشاؤ دل میں ہے در در, نہ دہت سنت پیمبر پر. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ, اس نور کی پیروی کرو جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے. اولئک هم المفلحون, وہی فلاح پائیں گے, وہی فلاح پائیں گے. یہ اختیارات پیغمبر ہے. یہ گفتگو اور آگے بڑھنے والی ہے. قرآن حرف آخر ہے کہ عنوان پر بہت سی باتیں جو یہاں تشنا رہی جاتی ہیں اس پر وہاں گفتگو ہوگی. بہرحال ہم کو تو آگے بڑھنا ہے. ایک بات وہ یہ کہ یہ تو بڑی آسانی سے کہا گیا کہ علی کا اسلام بچپن کا اسلام ہے. یہ تو بہت آسانی سے کہا گیا کہ یہ تو بچپن میں اسلام لائے تھے, بچے تھے. اب یہ اور بات ہے کہ تکلیف شرعی تھی کہ نہیں تھی, یہ اور بات ہے کہ پیغمبر نے یہ جان کر کے یہ بچے ہیں اسلام کو کیسے عرض کیا تھا. یہ جان کر کے یہ بچے اسلام کو کیسے عرض کیا تھا. اور مامون رشید نے یحیی بن اقسم سے پوچھا کہ یحییٰ تو یہ کہتا ہے کہ یہ بچہ تھا اور اسلام لایا تھا, اگر یہ بچہ کل کے دن مرتد ہو جاتا تو. یہ مامون رشید نے پوچھا یحییٰ سے کہ یحییٰ تم کہتے ہو کہ یہ بچہ تھا اور بچے کا اسلام ہی کیا ہے, تو اگر یہ بچہ پھر مرتد ہو جاتا تو, واپس ہو جاتا تو. پیغمبر نے گویا ایسے بچے پہ اسلام کو عرض کیا جو دوسرے دن واپس ہو گیا. تو آپ نے دیکھا کہ یحییٰ کے لیے بجز خاموشی کا کچھ نہیں تھا. تو یہ آسان ہے یہ جملہ کہ وہ تو بہت بچپن میں اسلام لائے, چونکہ ساتھ تھے, کلمہ پڑھنے لگے. مگر ایک بات ہے, آج ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی بات مگر آج فیصلہ کر کے اٹھا, اور وہ یہ کہ جو اختیار نبی استعمال کرتا ہے کسی کی تعریف میں, کسی کے پہچانوانے میں, وہاں کسی کا دخل ہے نہیں ہے. سن میں بہت سے لوگ بہت زیادہ تھے, مگر جب یہ کہا کل علم اس کو دوں گا جس کو خدا اور رسول دوست رکھتا ہے, جو خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہے خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے, تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ سن میں ہم زیادہ ہیں, خدا اور رسول ہم کو دوست رکھتا ہے. جب نبی اپنے اختیار پر استعمال کر کے یہ کہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو سے محبت رکھتے ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبت کرتا ہے, تو جب بھی تو سن کم تھا نا. تو اس وقت تو دنیا چپ ہو گئی اور صحیح بخاری شریف کو لکھنا پڑا. میں نے روایت وہاں سے لی ہے جہاں حضرت محمد ابن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے واضح طور پر باب فضائل علی میں اس جملے کو لکھا ہے کہ رسول نے یہ فرما کے علم دیا, یہ فرما کے علم. اور پھر یہ کہ سب کچھ کہا نام نہیں لیا, یہ عادت ہے قرآن کی.
ये कुरान की आदत है, कहते सब कुछ है, नाम नहीं लेते ताकि इरशाद फरमाते कि हम मुफस्सिर कुरान हैं। जब हम इस तरह से तारीफ करते जाए तो तुम पहचानते जाओ कि ये कौन है। नाम नहीं लिया, रजुल कहा, कर्रार कहा, गैर फर्रार कहा, अल्लाह और रसूल का महबूब बतलाया, खुदा और रसूल का मोहिब बतलाया, कहा कि वापस नहीं आएगा जब तक फतह नहीं करेगा, फिर भी नाम नहीं लिया। क्या फर्क पड़ जाता था अगर सिर्फ इतना कहते कल अली को अलम दूंगा, क्या फर्क पड़ जाता था। नहीं, खैबर के वाकये ने तो ये वाजह किया, ये वाजह किया, जैसा कि मैं कह चुका हूं रजविया कॉलोनी की मजालिस में, फिर एक मरतबा दोहराने को जी चाहता है। हालांकि वक्त ज्यादा नहीं गुजरा, मगर आप लोगों को याद रखना चाहिए, साद इब्ने अबी वक्कास फातह ईरान है, अजिल्ला सहाबा से हैं। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास अजिल्ला सहाबा से हैं, फातह ईरान है, फातह कादिसिया है। और जब इनसे कहा गया अमीर शाम की तरफ से कि तुम अली को बुरा नहीं कहते, तो कहा क्या मैं कैसे बुरा कहूं, इसलिए कि मैंने खैबर के दिन रसूल को यह कहते हुए सुना है कि कल मैं आलम मर्द को दूंगा। खुदा और रसूल उसको दो सकते हैं, वो खुदा और रसूल को दो सकता है। तो आपने देखा ईरान की फतह कुछ नहीं है खैबर के सामने। ईरान की फतह को वह भूल गए, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं फातह ईरान हूं। अजीब मंजिल है, अजीब मंजिल है, खैबर में इमामत है। बहरहाल नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, और किसी को यह कहने का मौका नहीं मिला कि सब हमने तो बंदगी ज्यादा की है, हमारा खुलूस ज्यादा है, सिन के एतबार से हम ज्यादा हैं, अल्लाह को तो हमसे मोहब्बत रखनी चाहिए। जिन्हें कहा नहीं, लिखा सबों ने, हर फजीलत को न मानने वाले ने भी इस फजीलत का जिक्र किया कि खुदा और रसूल उसको दोस्त रखते हैं, वो खुदा और रसूल को दोस्त रखता है। तो यही मोहब्बत है खुदा और रसूल की कि सारे सूफियाए किराम ने इन्हीं से रिश्ता जोड़ा, सारे सूफिया इकराम ने इन्हीं दरुस्ता जोड़ा, इसलिए कि सूफिया मोहब्बत के पीछे है ना, वो चाहते हैं मोहब्बत मिले। तो अब इनसे रिश्ता जोड़ा तो फिर वहां रिश्ते में क्या था, रसूल इनसे मोहब्बत करते, खुदा इनसे मोहब्बत करता। तो इन्होंने क्या किया, अपने सिलसिले को पहुंचाया अली तक, और अली से एक मरतबा सिलसिले को पहुंचाया रसूल तक, दरमियान का सिलसिला खत्म हो गया, इसलिए कि खुदा और रसूल इनसे मोहब्बत करते हैं, या खुदा और रसूल। किसी तसव्वुफ के किसी सिलसिले को देखिए, किसी सिलसिले को देखिए, कोई सिलसिला हो, जब कभी पहुंचाया सिलसिले को तो बारगाह अलवी तक, और उसके बाद ये कहते हैं कि उस करके को जो करके रुश्दो इरशादो हिदायत है, जिसको मेराज में रसूल ने पहना, वो करका रसूल ने अली को पहनाया, और वो करका अली ने हसन बसरी को पहनाया, और हसन बसरी ने वो करका और आने वालों को पहनाया। बल इस तरह से ये सिलसिले को लेकर गए, तो अब ऐसा हुआ कि रसूल में और अली में फसल नहीं रहा। ये आप उठा के वो हुलियतुल औलिया देखिए, औलिया के जितने तस्करे सब में देखिए कि किस तरह से ये करता आया है, तो पता चला कि इस तरह से हर दो एक दुर एक सदब, हर दो पैरा शरब, हर दो एक मबदा खुदे शान दो,
ہر دو ایک روح ہو قلب دے شان دو مرتضائی کے کرد یزدان ہم رہے جان مصطفیٰ جان جان مصطفیٰ کے ساتھ جس کی جان ہے جان مصطفیٰ کے ساتھ جس کی جان ہے اللہ یہ گفتگو کہاں تک جائے گی کس منزل تک پہنچے گی کہاں کہاں تک اس کی معنویت آگے بڑھے گی ہزار ہزار مرتبہ آپ نے سنا ہوگا ایک ایک فضیلت کو امیر المومنین کی مگر ایسا عالم ہوتا ہے کہ پھر بھی ایک گوشہ رہ گیا پھر بھی ایک گوشہ رہ گیا پھر بھی ایک گوشہ رہ گیا درجہ نہیں بتلایا کہ خدا و رسول کس حد تک محبت کرتے ہیں درجہ نہیں بتلایا خدا و رسول کس حد تک محبت کرتے ہیں بس یہاں تک یہاں تک کی حد نہیں ہے اور پھر اسی طرح سے وہ خدا و رسول سے محبت رکھتا ہے حد نہیں حد نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ اس کی محبت میں ذرہ برابر بھی فرق آئے ذرہ برابر بھی فرق آئے تو عزیزان گرامی یہ گھرانہ ہے یہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے نے اپنے آپ کو انفسنا کی منزل پفائے اور سب کے سب نفس رسول بنے سب کے سب نفس رسول بنے تو یہ ایک بات اگر بہتر معلوم ہو اگر بہتر معلوم ہو اختتام تقریر پر تو اس کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے کہ جانا تو ہے رسول کی بارگاہ میں جانا تو ہے رسول کی بارگاہ میں سمجھنا تو ہے کلمے کو اطلاق پانا تو ہے رسالت کو مگر یہ طے کر کے چلو کس دروازے سے کس دروازے سے جائیں کس راستے سے جائیں کس ذریعے سے جائیں کس وسیلے سے جائیں کس طریقے سے جائیں کس کو سہارا بنا کے رسول کی بارگاہ میں جائیں جہاں یہ یقین ہو کہ اگر اس کا دامن تھام کے جائیں گے تو رد نہیں کریں گے تو یہ منزل ہے اگر ذہن میں رہے ورنہ راستے اور بھی ہیں مجھے کب انکار ہے بہت سے راستے ہیں ہزاروں طریقے ہیں سبوں نے دیکھا ہے رسول کو سبوں نے فیض اٹھایا ہے رسول سے جس کسی کا بھی دامن تھام لوگے مگر ہے یہ کہ ہر ایک کی ایک حد ہے ہر ایک کی ایک حد ہے اور رسول خدا کے گھر میں ہے رسول خدا کے گھر میں ہے سب کے دروازے بند ہیں سب کے دروازے اس گھر میں بند ہیں فقط ایک کا دروازہ کھلا ہے فقط ایک کا دروازہ کھلا ہے سب کے دروازے بند ہیں اس لیے ذرا غور کر کے چلیں کہ جس کا دروازہ کھلا ہے کھلا تھا کھلا رہے گا قیامت تک جس کا دروازہ کھلا رہے گا اسی دروازے پہ چل کے چلو سوال کریں چلو سوال کریں اور پھر میں نے ثاقب کا شعر پڑھا تھا کبھی مرکزی امام بارگاہ میں کہ ہمیشہ دیکھیے یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ بہت دیکھ کے سمجھ کے مانگتے ہیں ہر دروازے پہ نہیں مانگتے ان کو پہچانتے ہیں کہ کون سا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے مانگنے والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ہر دروازے پہ نہیں مانگتے جہاں سے کچھ بھی آس ہونا تو اسی دروازے پہ آئیں گے یعنی وہ سائل کے نقش قدم کو دیکھتے ہیں کہ کون کون آ کے لے کے گیا اب ہم بھی چلیں
बात समझ रहे हैं। ये एक अजीब बात है, कभी तजुर्बा हो तो गली में खड़े होकर घर की गौर कर लें कि पुकारने वाला किस किस घर को छोड़ के पुकारता है। तो साकिब लकनवी ने कहा, दे सदा आए दिल मगर नक्श कदम को देखकर, दे सदा आए दिल मगर नक्श कदम को देखकर, ऐसे भी डर है कभी जिन पर कोई साहिल न था, ऐसे भी डर है कभी जिन पर कोई साइल न था, ऐसे दरवाजे मौजूद है कि जहां साइल नहीं गया और जहां गया वहां आयत आई, वो यू तैमू न ताबाला हो गई मिस्की न मजती बसी। दे सदा है दिल, दे सदा है दिल मगर नक्शे कदम को देखकर, ऐसे भी डर है कभी जिन पर कोई साइल न था। मैं हुदूद से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ और मोहब्बत मुझे बहकाती नहीं है, राह से हटाती नहीं है, मगर बात यह है कि वो दरवाजा अब भी खुला हुआ है कि जिसका वास्ता दे के मांगने वाले आज भी मांगते हैं, किसी और का वास्ता देते ही नहीं। किसी और का वास्ता नहीं देते, हम क्या करें, मजबूर है, मांगेंगे हसन के वास्ते से दे दो, हुसैन के वास्ते से दे दो, फातिमा जहरा के वास्ते से दे दो, आले रसूल के वास्ते से दे दो, इन्हीं का नाम लेके दुनिया मांग रही है, एक ही तो दरवाजा खुला हुआ है। दे सदा है दिल मगर नक्शे कदम को देखकर, ऐसे भी डर हैं कभी जिन पर कोई साइल न था। तो जहां साइल ही न जाए वहां जाके क्या फायदा, वक्त गुजरेगा, और अगर वो वक्त इतना नाजुक है, इतना मुख्तसर है कि हम दरवाजे पे पहुंचे और मौत आ जाए तो गलत जगह पे मौत आई। आप समझ रहे, मांगने गए किसी और दरवाजे पे, दरवाजा खुला नहीं, आ गई मौत तो लीजिए हमेशा की रुसवाई, हमेशा की रुसवाई। और गए उस दरवाजे पर जो दरवाजा खुला हुआ था और जहां से इमदाद मिल रही थी, और उस दर पे मौत आई तो लीजिए कब्र में सुकून, हश्र में सुकून, मीजान में सुकून, जन्नत में सुकून, हर जगह मोहब्बत साथ साथ चले जा रही है। मैंने जहमत दी, आज कुछ वक्त ज्यादा हो गया, कुछ वक्त ज्यादा हो गया, मैं अपने सुनने वालों से माजरत खा हूं, और माजरत के लिए भी कुछ इतना गया यकीनी तौर पर मेरा दिल ये नहीं चाहता कि आपने ये लाजिमी जाना होगा कि इंतजार किया जाए या उधर किया जाए, इसलिए कि खुद आप बेचैन थे, इन जुमलों को सुनने के लिए आप बेचैन थे और आपने इन जुमलों को महफूज कर लिया। वास्ता आज दुनिया इन्हीं नामों का देती है, इन्हीं नामों का देती है। इस्लाम की तारीख अगर शाही की तारीख है, मुलुकियत की तारीख है, तो मुलुकियत का नाम लेके कोई भीख नहीं मांगता, बादशाहों का नाम लेके कोई सवाल नहीं करता, बनी उमैया और बनी अब्बास के नाम पे भीख नहीं मिलती। समझ फातिमीन मिस्र ने हुकूमत की, तुर्कान तातार ने हुकूमत की, तुर्कान आले उस्मान ने हुकूमत की, कैसी कैसी हुकूमतें थी, मगर उनके नामों पर भीख नहीं मिलती और न उनके नामों पर कोई सलाम करता है। हो गई गुफ्तगू, हो गई गुफ्तगू, शौकत शाम हो
فرے بغداد رفت اقبال، شوکت شام و فرے بغداد رفت ستوت غرناطا حمد یاد رفت، غرناطا کی ستوت گئی، شام کی شوکت گئی، بغداد کا فر گیا، لیکن اے حسین تارے ماں زخماش لرزہ ہنو، زخمہ زیخے میم ہے، زخمہ مزراب کو کہتے ہیں جس سے انسان سانس کو چھیڑتا ہے، مزراب تارے ماں از زخماش لرزہ ہنوز، حسین کے مزراب سے ہمارا تار ابھی تک حرکت کر رہا ہے، یہ تارے دل حرکت کر رہا ہے، زندہ اس تکبیر او ایمان ہنوز، اس کے تکبیر کی آواز سے ایمان ابھی تک زندہ ہے، اے سبا، دیکھیں یہ ہے سلام جو پادشاہوں کے لیے نہیں ہے، اے سبا، اے پے کے دور افتادگان، اے سبا، اے دور رہنے والوں کی قاصد، اے سبا، اے پے کے دور افتادگان، اشک ماں برخا کے پا کے ہو رہا، یہ میرے آنسو لے جا کے اس کی قبر پر ڈال دے، حسین کی قبر پر ڈال دے یہ آنسو، اے سبا، اے پے کے دور افتادگان، اشک ماں برخا کے پا کے اورساں، تو یہ نام ایسا نام ہے کہ جس نام سے انسان کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے، جہاں درد پیدا ہوتا ہے وہاں کسی کے درد کو انسان سنتا ہے، جب کسی کے درد کو سنتا ہے تو سائل کے سوال کو رد نہیں کرتا، بے دردی نہیں پیدا ہوتی، بے دردی دل میں نہیں آتی، اس لیے عزیزو آخری پیغام اس منزل میں، اس مقام پر آخری تقریر، اگر اختلاف عقائد میں ہے تو رہے، رہنے دو، رہنے دو، مگر حسین کا دامن نہ چھوڑو، علی کا دامن نہ چھوڑو، حسین کا دامن اس لیے نہ چھوڑو اکلوتی بیٹی کا بیٹا ہے، فاطمہ کی جان ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، کوئی غیر نہیں ہے، جو نانا کے کاندھے پر سوار ہوا کرتا تھا وہی حسین جس کی زبان اقدس کو دہن اقدس میں لے کے نبی چوستے تھے، وہی حسین، اس لیے حسین کو نہ بھولو، علی کو نہ بھولو، فاطمہ کو یاد کرو، حسنین کو یاد کرو، اس گھر کو یاد کرو، بڑا درد بھرا قصہ ہے اس گھر آنے کا، اللہ تم کو اچھا رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو اچھا رکھے، اللہ تمہاری ہر مصیبت کو ٹال دے، دیکھو جب کسی گھر پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، سب سے پہلے انسان یہ سوچتا ہے کہ ارے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، خصوصاً اگر کوئی بچہ بہت زیادہ مانوس ہو، کوئی بچہ اگر باپ کے سینے پہ سوتا ہو، کوئی بچہ اگر بار بار باپ کے قریب آتا ہو تو اس بچے کا بڑا خیال رہتا ہے، آخری وقت تک یہی کہتے تھے زینب ذرا سکینہ سے ہوشیار، زینب ذرا سکینہ سے خبردار، زینب ذرا اس بچی سے ہوشیار، زینب کے حوالے سکینہ کو کیا تھا، زینب کے حوالے سکینہ کو کیا تھا، طبقات ابن سعد ذمہ دار ہے، یہ اسلام کا عجیب و غریب سرمایہ ہے، مسلمانوں کی عجیب و غریب کتاب ہے، طبقات ابن سعد ذمہ دار ہے اس واقعے کی، یہ کوئی شیعہ تاریخ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی اہم ترین تاریخ ہے، اس طبقات میں یہ واقعہ لکھا ہے، اس طبقات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ دربار میں ایک مرتبہ ایک شقی اچھلتا کودتا ہوا یزید کے پاس آیا اور اس نے اس بچی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یزید یہ بچی کو میری کنیزی میں دے دے، یہ بچی کو میری کنیزی میں دے دے، حبلی حاضر جاریہ، یہ بچی کو میری کنیزی میں دے دے، وہ بچی گھبرا گئی، دوڑ کے پھپھی سے لپٹ گئی اور کہا پھپھی اما اوتم تو استقدم، میں یتیم تو ہو گئی، اب کنیز بھی بنائی جاؤں،
कि अम्मा मैं यतीम तो हो गई, अब कनीज भी बनाई क्यों? शहजादी ज़ैनब को जला लाया। यह हुकूमत का दरबार है, शाही का दरबार है, रसूल की औलाद को कनीजी में मांगा जा रहा है। मालूम नहीं क्या जवाब देगी दुनिया जब रसूल पूछेंगे कि तुम्हारे दरबार में ऐसा हुआ था। अली की बेटी को जला लाया का ऐ शकी, खुदा तेरे हाथ को खता करे जिस हाथ से तूने मेरी बच्ची की तरफ इशारा किया। साहेब नासिक़े ज़ैनबिया कहते हैं कि जब शहजादी ने इस जलाल के साथ इस जुमले को जबान पे जारी किया तो वो एक मरतबा घबरा गया, डर गया, दौड़ के आबिद बीमार की खिदमत और कहा तुम किस घराने के कैदी हो, तुम किस घराने के कैदी हो? आबिद बीमार ने कहा हम आले मोहम्मद के कैदी हैं, हम आले मोहम्मद के कैदी हैं। उसने अर्ज किया मोहम्मद मुस्तफा का घराना है। कहा हां, का तुम्हारा नाम क्या है? तो मेरा नाम अली है। तुम्हारे बाप का नाम? का हुसैन। कहा हुसैन फातिमा का बेटा, फातिमा का बेटा। अच्छा मैं समझ गया, मैं समझ गया, मगर मैंने गलती की या बतलाओ कि जिस बच्ची की तरफ मैंने इशारा किया था वो बच्ची कौन है? तो आप जब बीमार ने कहा वही तो हुसैन की बेटी है सकीना, वही तो हुसैन की बेटी है सकीना। उसने कमर से खंजर को निकाला, अपना हाथ उसने कोहनी से काट के आबिद बीमार के कदमों पे फेंका और कहा फरजंदे रसूल कयामत के दिन आप गवाही देना कि मैं पहचानता नहीं था कि फातिमा की औलाद दरबार में खड़ी है। हमको कामिल ईमान का बानी मजलिस और हाजरीन मजलिस के हवाइज को बरलाओ, जो बीमार है उनको जिबाए कामिल अता फरमाओ, जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमाओ, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमाओ। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमको नजदीक कर दे दामन वाले मोहम्मद। परवरदिगार मिल्लत को मुत्तहिद फरमाओ, ममलकत को मुस्तहकम फरमाओ, ताजिल फरमाओ, ज़हूर फरमाओ।